दिल्ली में प्रदूषण का बुरा असर अपने नुकसानदेह असर के साथ दिखाई देने लगा है। दिल्ली के बहुत से इलाके में आज सुबह का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इसी की गवाही दे रहा है। AQI हवा की क्वालिटी या गुणवत्ता बताती है और आज सुबह के इसके जो डेटा सामने आए हैं उसके मुताबिक दिल्ली की हवा बहुत खराब है। आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह आरकेपुरम में AQI 779 था, मुंडका में 743 था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया जो कि द्वारका में है वहां पर AQI 841 था और पीतमपुरा में यह आंकड़ा 404 था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पहले ही चेतावनी दी है कि नवंबर के शुरुआती हफ्ते में दिल्ली की हवा बहुत खराब रहने वाली है। इसका अब असर भी दिखाई देने लगा है। दिल्ली की खराब होती हवा से लोग भी परेशानी महसूस करने लगे हैं। उनके मुताबिक हवा खराब है और वो इस समस्या से अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। बहुत से लोगों ने सांस लेने में समस्या बताई और सेहत खराब होने की आशंका जताने लगे। इसमें कितना वॉकिंग के लिए आ रहा है ना, सब लोगों के लिए 80% श्वास का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो तकलीफ तो आंखों में जलन होती है और काशी जुकाम का ये हो जाती है। और सर प्रदूषण की वजह से गले में सूखन सी और थोड़ा और खराब सा लगता है और सांस लेने में तकलीफ भी बहुत होती है सर और काफ़ी परेशानी पड़ती है सर प्रदूषण की। जब हम रनिंग कर रहे हैं तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम जैसे पहले दौड़ते थे, इस पॉल्यूशन से जब पहले दौड़ा करते थे तो एक स्पीड रहती थी, अब स्पीड बनाने में प्रॉब्लम हो रही है सर। ये महसूस हो रहा है हमें कि इससे प्रॉब्लम हो रही है। तकलीफें तो हो रही है, पॉल्यूशन ज़्यादा ही बढ़ चुका है दिल्ली में आजकल का। और वैसे आजकल दौड़ने में बहुत तकलीफ होती है, नाक में जलन मचती है। दिवाली के आने से पहले ही दिल्ली समेत पूरा NCR धुएं वाले कोहरे की सफेद चादर में ढक चुका है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो यह है कि आने वाले दिनों में हवा और जहरीली होने की आशंका है। क्योंकि एक तरफ पंजाब और हरियाणा में पराली जलना बंद नहीं हुआ है तो दूसरी तरफ हवाएं चलने भी बंद हो गई। इस वक्त मौजूद मौसम भवन के बाहर जाने का पोल्यूशन मीटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो PM10 पर 240 है, यानी यहाँ जो हवा की स्थिति है वो खराब है। दिल्ली में पिछले 6 दिन से पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। अब तो पोल्यूशन खराब और बेहद खराब से बढ़कर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। दोपहर 2 बजे जब धूप निकल चुकी होती है और हवा में घुले जहरीले कण कम हो चुके होते हैं, उस वक्त भी दिल्ली में कई जगहों पर हवा बेहद जहरीली थी। दिल्ली के वजीरपुर में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 400 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में AQI का लेवल 364 रहा। रोहिणी में भी हवा जहरीली बनी रही, जहां AQI का लेवल 339 रहा। मंदिर मार्ग पर AQI 332 रिकॉर्ड किया गया और शादीपुर में AQI का लेवल 331 दर्ज हुआ। दिल्ली के हालात तो दिवाली से पहले के हैं, जबकि ज्यादातर सरकारी एजेंसियां भी ये मान रही हैं कि ये तो बस शुरुआत भरी है और पोल्यूशन का लेवल अभी और बढ़ेगा, जिसके लिए दिल्ली NCR के लोगों को तैयार रहना चाहिए। इसीलिए 10 नवंबर तक हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने ये फैसला लिया था कि 1 नवंबर के बाद से सभी निर्माण कार्यों को बंद किया जाएगा, लेकिन प्रदूषण की खराब स्थिति को देखते हुए ये फैसला 3 दिन पहले ही ले लिया गया है। अभी से दिल्ली और NCR के लोगों को घर में रहने और मॉर्निंग वॉक पर न निकलने को कहा जा रहा है। डॉक्टर भी बता रहे हैं कि NCR की हवा जानलेवा तक हो सकती है। जो ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, हार्ट के मरीज हैं उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है और जान को खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, खास करके एस्थमा के पेशेंट में। बच्चों में भी एस्थमा काफी कॉमन होता है। हालांकि इन हालात की आशंका पहले से जताई जा रही थी। दिल्ली की हवा का ऐसा ही हाल 1 साल पहले भी हुआ था। इसीलिए प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली की सरकार बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों के सिर ठीकरा फोड़ रही है। और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि पूरा साल दिल्ली में प्रदूषण ठीक रहा, पर इस वक्त हर साल दिल्ली को हरियाणा, केंद्र और पंजाब की BJP और कांग्रेस सरकारों की वजह से दम घोटने वाले प्रदूषण को झेलना पड़ता। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद ये कुछ करने को तैयार नहीं। इन राज्यों के किसान भी अपनी सरकारों से परेशान हैं, लेकिन हरियाणा ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि पराली जलाने में दिल्ली के किसान भी पीछे नहीं है। केजरीवाल पहले जो दिल्ली में थोड़े बहुत किसान हैं और जो पराली जला रहे हैं उनको तो समझा दे, और दिल्ली में एंटर करते ही जहाँ पर सारा कचरा डलता है उसमें 1 हफ्ते से आग लगी हुई है, उसको तो बुझा लें। सेंटर में एनवायरनमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार को टारगेट किया। दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा प्रदान करना ये उनकी
नैतिक जिम्मेदारी भी है, टेक्निकल जिम्मेदारी भी है और सरकार के मुखिया होने के नाते सबसे ज़्यादा उनकी जवाबदेही है। राजनीति नहीं करनी चाहिए, कुछ विषयों को कम से कम राजनीति से ऊपर जरूर रखना चाहिए। पोल्यूशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की और प्रदूषण के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। पराली के अलावा प्रदूषण की बाकी वजहों पर भी बात हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रांसपोर्ट विभाग 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को सड़कों से हटाने के लिए सख्त कदम उठाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि 15 साल पुरानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां भी सड़कों पर न दौड़ें, क्योंकि भले ही प्रदूषण के खतरनाक स्तर की सबसे बड़ी वजह पराली मानी जा रही हो, लेकिन इसके अलावा भी हवा के जहरीला होने के कई कारण हैं। प्रदूषण पर नजर रखने वाली एजेंसी सफर के मुताबिक रविवार को पीएम 2.5 के स्तर में केवल 19% हिस्सा पराली से निकलने वाले धुएं का रहा, तो सोमवार को प्रदूषण में पीएम 2.5 का करीब 15% हिस्सा पराली का होने की आशंका जताई गई थी। हवा में घुलने वाले जहर में अलग अलग वजहों की भूमिका हर दिन अलग होती। अब तक पीएम 2.5 में पराली का सबसे बड़ा हिस्सा बीते शुक्रवार को रहा, जब पराली का जहर 36% रहा। यानी सफर के आंकड़ों से इतना तो साफ है कि दिल्ली और एनसीआर की जहरीली हवा के लिए केवल किसानों को दोष देना भी ठीक नहीं है। दिल्ली की सड़कों से उठने वाली धूल दिल्ली के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में पीएम 2.5 का करीब 38% सड़कों की धूल से होता है, तो पीएम 10 में करीब 56% हिस्सा केवल सड़कों की धूल का होता है। सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की वजह हवा का न चलना होता है। हवा न चलने की वजह से धूल के कण जमीन के पास लंबे वक्त तक रहते हैं और लोग इसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा का असर अब देश की साख पर भी पड़ने लगा। अमेरिका से एक स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल होने के लिए भारत आया स्टूडेंट्स का एक ग्रुप भी मास्क लगाकर वॉक के लिए निकला। Came here on a school trip for volleyball and so playing sports and having to be in this weather, we have the risk of getting sick. So it's problematic. GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के हिसाब से भी प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण की वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। दुनिया भर के 194 देशों के बच्चों पर हुए सर्वे के बाद तैयार रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2016 में जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से भारत में 1,00,000 बच्चों की मौत हुई। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण की वजह से 5 साल से कम उम्र के 10 में एक बच्चे की मौत की औसत पर चिंता जताई गई। वहीं दुनिया भर में इसी साल वायु प्रदूषण की वजह से 15 साल से कम उम्र के 6,00,000 बच्चों की मौत हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वायु प्रदूषण की वजह से गर्भवती महिलाओं ने समय से पहले और कम वजन के बच्चों को जन्म दिया। WHO की रिपोर्ट में दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए किसानों की पराली जलाने और दिवाली के पटाखों को भी वजह बताया गया। रिपोर्ट में दिल्ली को पाकिस्तान के लाहौर के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताया गया। इंडोनेशिया के जावा टापू के पास लायन एयर का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान में भारतीय पायलट भव्य सुनेजा समेत 189 लोग सवार थे, जिनकी मौत की आशंका जताई गई, जिसकी सूचना मिलने के बाद इंडोनेशिया की नौसेना ने समंदर में लापता प्लेन की तलाश शुरू कर दी। समंदर में सर्च ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू टीम ने प्लेन का मलबा मिलने का दावा किया। जहां लायन एयर का प्लेन हादसे का शिकार हुआ, उस जगह लोगों का सामान समंदर में तैरता नजर आया। पसावात इनी पनुम्पांग दन क्रूनया 189। समंदर में क्रैश होने वाले प्लेन ने 13 मिनट पहले ही जकार्ता एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। क्रैश के वक्त ये प्लेन 3,000 फीट की ऊंचाई पर था। इस प्लेन को एक भारतीय पायलट भव्य सुनेजा उड़ा रहे थे, जो 7 साल पहले ही लायन एयर से जुड़े थे। दिल्ली के रहने वाले भव्य को 6,000 घंटों से ज्यादा उड़ान का अनुभव था और जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी केवल 2 महीने पुराना ही बताया गया। क्रैश की खबर मिलते ही भव्य के परिवार में मातम छा गया और उनके घर पर लोग शोक जताने के लिए जुट गए। अभी 2 साल पहले ही इसकी मैरिज हुई है, मिसेज इनकी जो है इंटरनोसी में वहीं रहती है। प्लेन के मिसिंग होते ही उसमें सवार पैसेंजर्स की फैमिलीज भी एयरपोर्ट पर जमा हो गईं। क्रैश में लापता लोगों की तलाश के दौरान कई एम्बुलेंस मंगवा ली गईं। इसके साथ ही प्लेन से मिली चीजें और लोगों का सामान भी एक जगह जमा कर दिया गया। मिलिट्री ने समंदर से कई लोगों की बॉडीज बाहर निकाली।